आपका क्या नाम है आपका? इधर देखिएगा हरिओम, आज क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांग है? 16 तारीख को जल मुक्ति कार्यालय में कार्यरत नासिर थे, इन लोगों ने फर्जी तरीके से जो है जल मुकाम पर बनाने के लिए दबाव बनाया, उसने मना किया, इन लोगों ने उस पर आरोप लगा दिया, तुम पैसे मांगते हो फिर भी नहीं माने, तो उनके गाली गलौज करने लगे, गाली गलौज करने के साथ उसको मारा पीटा भी, घसीटा बाहर, उसी को लेकर हम लोग 4 दिन से आंदोलित हैं। लेकिन आज महेंद्र शुक्ला जो पार्षद दल के नेता हैं भाजपा के, और जो है मेयर साहिबा बैठी थी, उन्होंने कहा चलो वार्ता कर लिया जाए, समझौता कर लिया जाए। हम लोग जो है जब समझौता करने गए तो ये पार्षद राघवेंद्र मिश्रा शास्त्री नगर के और आपके जो है नीरज वाजपेयी सर्वोदय नगर के, ये दोनों पहले से प्री प्लानिंग से बैठे थे। जैसे हम लोग अंदर घुसे उन्होंने नासिर को बुरी तरीके से मारना चालू कर दिया और हाथ में कुछ जो है धारदार वस्तु थी वो भी मारा, हम लोगों ने तहरीर दे दी है। आज हमारा जो है ये आह्वान है, हम आंदोलित हो गए, कर्मचारी आंदोलित हो गया, आक्रोशित हो गया है, और कल से पूरी सेवाएं जो है कानपुर नगर निगम अपनी बंद कर देगा। आज हम लोगों ने मुख्यालय और 6 जोन बंद करा दिए थे, कल से सारी सेवाएं ठप करा दी जाएगी। आगे क्या करेंगे? जब तक इनकी गिरफ्तारी नहीं होती, जब तक हमारी FIR नहीं लिखी जाती, गिरफ्तारी नहीं होती, हम तब तक आंदोलित रहेंगे, ये हम लोगों ने प्रण कर लिया। क्या नाम है आपका? मुन्ना बली। मुन्ना, किस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांग है आप लोगों की? मांग यही है जो बताई गई अभी, बताइए। नासिर को जो मारा गया है, पहले तो कार्यालय हमारा, फिर आज जब समझौते के लिए हम लोग गए तो आज भी वहाँ पर यही उन्होंने अपना मन बना कर रखा और मारना शुरू कर दिया। एक हमारा पूर्व अध्यक्ष भी थे मोहनलाल शास्त्री, उनको भी मारा और हम लोग सब एक बीच बचाव करने लगे, उनके साथ साथ महेंद्र दत्ता वगैरह सब बीच बचाव कर रहे हैं। क्या पार्षद क्या गुंडाई पे उतारू हैं, क्या कर रहे हैं? कुछ पार्षद गुंडाई में उतारू हैं जिनके मन में बहुत फितूर घुसा हुआ है। क्या क्या फितूर घुसा, क्या करना है? कर्मचारियों को मारना, अभी एक कुछ दिन पहले जल संस्थान के कर्म से एक को मारा गया, यही राजनीति रहे हैं क्या? ये हम लोग इतने सालों से यहाँ राजनीति वो कर रहे हैं, तक भी कभी कोई ऐसी बात नहीं। ये कुछ गुंडे टाइप के जो पार्षद आ गए हैं, तो उन लोगों की वजह से ये हमारा माहौल खराब है। ये क्या बीजेपी के पार्षद हैं? जी। तो क्या लगता है बीजेपी जो है पार्षदों को गुंडों को टिकट देने के बारे में? तो मुझे नहीं मालूम बीजेपी कर रही है कि वो कर रहे हैं। ये कुछ लोग हैं जो बीजेपी को बर्बाद कर रहे हैं, नाम बताएंगे।